हेलो गाइस, पता नहीं क्यों हम इंडियंस को लाइक घूमने की डेस्टिनेशन होती है तो सबसे पहले दिमाग में यूरोप आता है। पता नहीं ऐसा क्यों सबके आते, जैसे मेरे भी आया था और वो कह रहे अभी नहीं आना है भाई, आपको यूरोप अभी नहीं घूमना है, आपको हम बाद में बुलाएंगे, इसलिए आप अभी थोड़ा इंतज़ार करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं प्लानिंग कर रहा था यूरोप ट्रिप का, मैं VFS जाके आया था 29 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट था स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और ये आ गया है। और थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि रिजेक्शन हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट वीज़ा था यूरोप का शेंगेन स्विट्ज़रलैंड का, और पहला ही रिजेक्शन आ गया है, रिफ्यूज हुआ है। रिफ्यूज़ का वो कह रहे हैं कि द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग दैट जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पज़ एंड कंडीशन ऑफ ऑफ द इंटेंट स्टे वॉज नॉट रिलायबल। जो भी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट यह है कि उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं आना, आपको हम बुलाएंगे बाद में आना, अभी हम लोगों की इच्छा नहीं है आपको वीज़ा देने की। मैं बस ये समझाऊँ तो कुछ नहीं है, नथिंग। चलो, और इससे एक चीज़ सीखी कि मतलब थोड़ा सा पुरानी बात पे मैं मतलब पहले की बात करता हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट पासपोर्ट एकदम पहले दूसरा पासपोर्ट था उस पर सिंगापुर जाके आया था 2017 में, और उसके बाद मैं पिछले साल में जाके आया था यूके, वो गया था बिजनेस वीज़ा पे। उस पर मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मेरे दिए थे, काफ़ी मेरी कंपनी के थे, तो उसकी वजह से मेरे को यूके का वीज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया था। तो उसको देखते हुए मैंने स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था कि मेरे पास यूके का वीज़ा था, यूके ने वीज़ा दिया था, बट वो एक्सपायर्ड था, वो वैलिड नहीं था, तो वो वीज़ा लग गया था। तो मैं उसी को देखते हुए वापस इसका वीज़ा लगाया था स्विट्ज़रलैंड का, बट इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम अभी नहीं बुला सकते आपको, आप आना अभी नहीं आना, आप अभी दूसरी कंट्री घूम के आओ। तो एज़ यूजल मेरा जो प्लान था कहीं और जाने का, वो अभी डिसाइड तो नहीं है, डिसाइड ही है, नहीं भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। आज ये रिजेक्शन आया है तो आज तो मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, होता है, फर्स्ट टाइम नहीं देते, नहीं देते। और वैसे मेरा इतना नहीं था, लाइक लग जाता तो मैं जाके आ जाता, नहीं लगा तो कोई नहीं। और अभी हम प्लान करेंगे सेंट्रल एशिया का कहीं पे जून में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रिजेक्शन क्यों है, उन्होंने तो बोल दिया भाई जो भी ये पर्पस था, मतलब ये कारण था, उन्होंने रीज़न लिखा वो। मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट, उसमें अच्छा अमाउंट बैलेंस था, सब डॉक्यूमेंट दिए थे, इवन मैरिज का सर्टिफिकेट भी दे दिया था, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी दे दिए थे, और आइटनरी बना के दे दी थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ड्यूरेशन था वो काफ़ी लंबा था, 15-16 दिन का, वो मेरे को नहीं करना था। फर्स्ट टाइम था 5-7 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बना के मैं अगर देता तो शायद मेरे को मिल भी जाता। मेरे को एक ये रीज़न लग रहा है, स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिलने की वजह से, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो पता नहीं ये वीडियो कैसा बन रहा है, क्या है क्या नहीं, मैं खुद मतलब जस्ट एक नोटिफिकेशन आपको लिए अपडेट था आपके लिए कि भाई वीज़ा नहीं लगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे उसके लिए मैंने बोला था कि मैं एक अलग से वीज़ा वो बनाऊंगा, वीडियो वीजा ही वीजा नाम याद आ रहा है, चलो कोई नहीं, वीडियो बनाऊंगा तो उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। हालांकि वो काम नहीं आया तो मतलब भी नहीं है डालने का, बट फिर भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैंने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या आइटनरी थी, क्या ट्रेवल प्लान थे, पूरा एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो जल्दी आ जाएगा। उससे पहले ये एक अपडेट था मेरे पास में, तो ये वीडियो में लाइक आज कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो यही था रिजेक्शन। चलो ले, अगर दे देते तो एक पासपोर्ट लाइक थोड़ी सी छोड़ो, अब जो भी है यही है, दिया तो इन्होंने चार दो चार चार पेज का है, लाइक 2 पेज आगे पीछे कुछ किया, बट वही है कि पहले पेज पे रिजेक्शन का रिफ्यूजन रिफ्यूजन का कारण दूसरा होकर एक आप अपील कर सकते हो, बट मैं कुछ ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने 14-15 हज़ार रुपये खर्च करने थे वो कर दिए, तो अब और कुछ ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करूँगा।
और अपील का मेरे को रियली कुछ आइडिया भी नहीं है कि क्या करना कैसे करना, तो मैं इतना ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं तो जस्ट अब दूसरा कुछ प्लान करूँगा। चलो जैसा भी था जो भी था एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वीजा नहीं, हर बार अगर वीजा मिल जाता तो मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, जिसको उन्होंने रोका कि भाई रुक भाई तू अभी नहीं, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि यूके में, यूके का लगा हुआ यूरोप का लग जाता तो फिर मैं नेक्स्ट जो था मेरा सीधा यूएस के लिए था, पर इन्होंने दोनों पे ब्रेक लगा लिए, तो अब मैं थोड़ा इधर उधर इधर घूमूंगा, उसके बाद में मैं वापस यूरोप का, इस बार मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा तो जर्मनी में मेरा एक फेयर लगता है, उसके लिए मैं करूँगा, उसमें मेरे को शायद मिलने के चांसेस है, क्योंकि वो फिर मेरे डॉक्यूमेंट थोड़े बिजनेस के भी लग जाएंगे, तो ऐसे करके ट्राई करूँगा। बट अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ यूरोप का इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं। दिस ईयर आई विल नॉट अप्लाइंग, आई विल नॉट अप्लाई द नी फॉर जो भी वीज़ा के लिए। तो कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में कर दो, कमेंट में तो मैं बता दूँगा। और डॉक्यूमेंट का जो भी था वो मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा। और ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।